everyone. Welcome to our channel Thrill Biology. I am Punita Singh and today we are going to learn all elements of mineral nutrition chapter with the super tricks and I am telling you with the super story. Okay? So let's get started. So, इसमें mineral nutrition chapter के सारे elements का trick है. इस पेज को हम इसका फोटो क्लिक करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका फोटो अपलोड कर देंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले भी हम डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक ये सारा का रिएक्शन वगैरह हम अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे. हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के ज्वाइन करके. सो स्टार्ट करते हैं ये सारा ट्रिक याद कैसे करना है. ओके हम वैसे तो डायरेक्टली भी इसको बता सकते थे लेकिन बिना स्टोरी के समझ में भी नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा और अच्छे से याद नहीं हो पाएगा. इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाना जिससे कि आपको समझ में आएगा. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सो स्टोरी कुछ ऐसा है जहाँ पे हम कोचिंग पढ़ते थे ना वहाँ के सर हमको सुनाए थे ये स्टोरी यही याद करने के लिए और वही स्टोरी आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं. सो ध्यान से सुनिएगा. ओके तो एक गाँव था जिसका नाम ये एक जस्ट सपोज टू बी एक गांव है जिसका नाम था चोन. ओके एक गांव था जिसका नाम था चोन. वहां पे एक एसपी रहता था अपनी एक एसपी अपनी बूढ़ी मम्मी के साथ यानी कि अपनी बूढ़ी माता के साथ. ये है उनकी माता ये है एसपी और ये उनकी माताजी. ओके एक गांव था जिसका नाम था चोन जहाँ पे एक एसपी रहता था अपने एक बूढ़ी माता के साथ. वो एसपी ना जब भी शहर से गांव जाता था तो अपनी मम्मी के लिए आयोडीन का नमक लेकर के जाता था. कौन सा आयोडीन का नमक. और उस गांव में सब लोग ऐसे ही साधारण नमक खाते थे लेकिन वो जो माता जी थी वो हमेशा से आयोडीन का ही नमक खाती थी. तो जब भी ये लेकर के आता था तो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे वो बोलते थे चोन एसपी की माता जी का नमक फिर से आयोडीन. क्या बोलते थे वहाँ के गांव वाले लोग चोन एसपी की माता जी का नमक फिर से आयोडीन. सो अब हम बताते हैं कि ट्रिक क्या है. ओके स्टे ट्यून. अबाउट 34 इसेंशियल एलिमेंट है. ओके हम लोग के प्रोटोप्लाज्म में अबाउट 34 इसेंशियल एलिमेंट है जो कि है एलिमेंट है लेकिन उसमें से 13 जो है मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है जिसमें मेजर और माइनर एलिमेंट्स दोनों ही आते हैं. सो आप लोग को लग रहा हो कि हमको इतना सारा एलिमेंट ये याद कैसे है. ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम क्लोरीन आयरन और आयोडीन. ये सारा जो है ये 13 इसेंशियल एलिमेंट है मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है. अब ये याद कैसे हुआ तो अभी जो हम कहानी सुनाए उसमें ही छुपा है ट्रिक. सो ट्रिक हम यहाँ पे लिखते हैं ये इसेंशियल एलिमेंट है ना ही ये मेजर है ना ही माइनर है इसमें दोनों ही हैं. ओके तो ट्रिक था कलर चेंज कर देते हैं. यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रिक है चोन एसपी के माता जी का नमक फिर से आयोडीन. अब इसको याद कैसे करना है चोन यानी कि सी एच ओ एन कार्बन
hydrogen, oxygen or nitrogen. Okay? Sp is for sulfur and a phosphorus. K is for potassium. And Mata Ji yani ki Mg. Okay? Mata Ji se Mg yaad rakhna hai. Then Ka, Mata Ji Ka. Ka is for calcium. And Namak. Namak kya hota hai? NaCl ko hi namak kehte hai na. So, NaCl is for namak. फिर यहाँ पे से का कोई मतलब नहीं है. ओके okay? फिर इज फॉर आयरन Fe एंड आई आयोडीन. फिर से आयोडीन. आई इज फॉर आयोडीन. सो द होल ट्रिक इज चोन एसपी के माता जी का नमक फिर से आयोडीन. तो ये जो था ये इसेंशियल एलिमेंट था. और हम लोग के जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में है वो अलग अलग जगह पे दिया है मेजर मतलब दिया है मेजर इसेंशियल एलिमेंट माइनर इसेंशियल एलिमेंट फिर बेनिफिशियल एलिमेंट. तो हम लोग छोटा छोटा इसी से रिलेटेड कुछ बहुत सारा ट्रिक बनाए हैं अप्रॉक्स. यहाँ पे टोटल 8 ट्रिक है जो हम लोग को याद करना है. सो द फर्स्ट ट्रिक इज ओवर. ये था इसेंशियल एलिमेंट. अगर कहीं पे भी पूछा जाए इसेंशियल एलिमेंट ओनली तो इसको याद कर लेना है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेजर और माइनर इसेंशियल एलिमेंट के ट्रिक के बारे में. ओके okay? तो इसको इरेज कर दें. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम इसका पिक अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे. ओके स्क्रीनशॉट. ओके ये था इसेंशियल एलिमेंट. ओके इसको इरेज करते हैं. पहला ट्रिक हो गया. अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे. मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में दिया हुआ है कि इसेंशियलिटी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए. उसके बाद दिया है कि कौन कौन सा प्लांट्स में कौन कौन सा मेजर एलिमेंट का जरूरत है और कौन कौन सा माइनर एलिमेंट. तो सबसे पहले है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये होगा ट्रिक नंबर 2 जो है मेजर इसेंशियल एलिमेंट. तो इसका ट्रिक जस्ट पिछले वाले की ही तरह सेम है. चोन एसपी के माता जी का ओनली का तक है. नमक फिर से आयोडीन हम लोग छोड़ देंगे. ठीक है तो इसका ट्रिक क्या है. ट्रिक है ये ट्रिक यहां तक रहेगा. अब किसका मतलब क्या है सबको पता है. यहाँ पे ये है चोन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. फिर यहाँ पे एसपी इज फॉर सल्फर और फास्फोरस. के इज फॉर पोटेशियम. माता जी इज फॉर मैग्नीशियम. एंड का इज फॉर कैल्सियम. सो यू कैन मैच विथ योर एनसीईआरटी कि सारा मेजर इसेंशियल एलिमेंट हो गया या फिर नहीं. उसमें इधर उधर दिया है मतलब जिस तरह से ट्रिक हम जो हमको सर बताए थे उस तरह से नहीं लिखा है लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए जो कि आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मेजर इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्सियम एंड मैग्नीशियम. था अभी ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये हो गया मेजर या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. क्या है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके उसके बाद है माइनर या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा हो गया. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट्स. तो उसमें जो है उसका कोई ट्रिक नहीं है. उसमें मैक्सिमम डी ब्लॉक का एलिमेंट ही आता है. इसमें दिया भी है मैक्सिमम डी ब्लॉक का एलिमेंट है जैसे आयरन है यानी Fe, मैंगनीज Mn, कॉपर मॉलिबेनम जिंक निकेल और बोरोन और क्लोरीन. ये दोनों से बाहर है लेकिन मैक्सिमम जो है बोरोन और क्लोरीन को छोड़कर मैक्सिमम है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट उसमें है.
सो माइक्रोन्यूट्रिएंट में डी ब्लॉक का एलिमेंट, और उसके पहले जो था ये ट्रिक याद कर लीजिए, जो एलएसपी की माता जी का ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है कि ये दे देता है बहुत सारा, उसमें से मतलब पहचाना रहता है कि कौन कौन इसमें से मेजर या फिर माइनर है। तो अगर दिया है तो हम लोग, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट ढूंढना है तो हम लोग को ऑप्शन में खोजना पड़ेगा कि कौन से में डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट खोजना है तो हम लोग देखेंगे कि किस में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और इसको ये जो ट्रिक है इससे याद कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं देने वाला है। तो हम लोग को बस इतना ही याद रखना है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो अब चलते हैं उसके बाद क्या है इसमें बेनिफिशियल एलिमेंट के बारे में। तो अब बेनिफिशियल एलिमेंट का भी ट्रिक देखते हैं हम लोग। ये था ट्रिक नंबर टू। बस यहाँ पे हम लोग मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही नहीं बल्कि जितना डिजीज ये डिफिशियंसी एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण जितना भी डिजीज होता है वो सब एलिमेंट को भी याद करने वाले हैं। फ्लोरेसिस, नेक्रोसिस, ये सबको याद करने वाले हैं। सो अब है बेनिफिशियल एलिमेंट, ट्रिक नंबर थ्री है बेनिफिशियल एलिमेंट। सो इसका स्टोरी नहीं है, अब स्टोरी बाद में आएगा, ओनली दो स्टोरी सुनाएंगे। फर्स्ट स्टोरी से टोटल इसेंशियल एलिमेंट कवर हो गया, अब सेकंड स्टोरी से जितना भी डिफिशियंसी सिंड्रोम या डिजीज है वो सारा कवर हो जाएगा एलिमेंट के डिफिशियंसी से जो भी होता है। सो द नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर बेनिफिशियल एलिमेंट। ट्रिक का नाम है, ये यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, ये ट्रिक समझ लीजिए कहीं और का ही लैंग्वेज है, नासी कोसे। ट्रिक का नाम क्या है? नासी कोसे। नासी कोसे, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्योंकि नासी कोसे यानी नासी कोसे। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा आई थिंक कि नासी कोसे क्या है। एन ए इज फॉर नासी में, एन ए इज फॉर सोडियम, एस आई इज फॉर सिलिकन, एंड सी यू इज फॉर कोबाल्ट, एंड एस ई इज फॉर सेलेनियम। सो बेनिफिशियल एलिमेंट भी कवर हो गया, ऐसे तो है चार ही इसमें, ये कवर हो गया नासी कोसे, इसे याद कर सकते हैं आप लोग इजिली। नासी कोसे, एन ए इज फॉर सोडियम, एस आई इज फॉर सिलिकन, सी यू इज फॉर कोबाल्ट, एंड एस ई इज फॉर सेलेनियम। सो ये भी ट्रिक हो गया। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है इमोबाइल। दिया हुआ है कि कौन कौन सा एलिमेंट मोबाइल है और कौन कौन सा इमोबाइल है, तो यानी कि कौन कौन मूव कर सकता है और कौन कौन नहीं मूव कर सकता है, कौन कौन प्लांट में परमानेंट होता है मतलब वहां से वो दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा इमोबाइल एलिमेंट है, उसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है ये भी सर ही हम लोग को बताए थे, जहां पे हम कोचिंग पढ़ते थे वहां के सर बताए थे कि उनके एक सर थे जो हमेशा मतलब वो कॉफी ही पीते थे, जिनका नाम था बिपिन। तो इस ट्रिक का नाम जस्ट इसी से रिलेटेड है, बिपिन सर का कॉफी। ओके, बिपिन सर का कॉफी, ये किसके लिए है? ट्रिक नंबर फोर इज फॉर इमोबाइल। ओके, क्या है इस ट्रिक का नाम है? बिपिन सर का कॉफी। बिपिन सर का कॉफी, अब ये कैसे ट्रिक है? तो बिपिन, यहाँ पे बिपिन का जो बी है वो है बी यानी कि बोरॉन के लिए, सर बिपिन सर। एस जो है यहाँ पे सर का जो एस है वो है सल्फर के लिए, का है कैल्सियम के लिए, और कॉफी सीओ कोबाल्ट के लिए, और एफ ई आयरन के लिए। टोटल पांच इमोबाइल एलिमेंट है, लेकिन इसमें से दो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सल्फर और कैल्सियम, क्योंकि ये दोनों ही एनसीईआरटी में दिया है। ओके, एनसीईआरटी में इमोबाइल एलिमेंट में सिर्फ यही दोनों दिया है, सल्फर और कैल्सियम, लेकिन ये पांच जो है ये इमोबाइल एलिमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है परमानेंटली।
ओके। और जो मोबाइल एलिमेंट होता है, जब कोई प्लांट का पार्ट खराब हो जाता है या टूट कर गिरने वाला होता है, तो वहां से वो सारा एलिमेंट ओल्ड लीफ से न्यू लीफ में चला जाता है। ओके सो ये है जो परमानेंटली होता है विपिन सॉल्ट ऑफ कॉफी। ओके यहाँ पे B फॉर बोरॉन, S फॉर सल्फर, CA फॉर कैल्सियम, CO फॉर कोबाल्ट एंड F इज फॉर आयरन। सो ये भी ओवर हो गया, यानी हम लोग टोटल अभी तक 1, 2, 3, 4 ट्रिक देख ली है। अब नेक्स्ट जो 4 ट्रिक है वो है डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में, प्लांट्स में कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं और वो कौन कौन से एलिमेंट की कमी या फिर डिफिशियंसी के कारण होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और स्टोरी। थोड़ा जो भी स्टोरी है थोड़ा फनी है, लेकिन सारा एलिमेंट याद हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ओके सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही है ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो एक बार क्या हुआ कि सभा लगा हुआ था जहाँ पे सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ये सब का, जहाँ पे लोग प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं। तो इसी तरह का एक सभा था, तो बहुत सारे गांव वाले वहां पे जमा हुए थे। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी था, तो उससे उसको बूढ़े आदमी लोग को जैसे सब चिढ़ाते रहता है कि क्या तुम क्यों आए हो, काहे के लिए आए हो, क्या लेने आए हो, तुमको क्या का जरूरत है, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो। तो बोलता है कि हम नीतीश कुमार से हमको फ्रिज चाहिए। यहाँ पे जो गांव में लोग हैं फ्रिज को क्या बोलते हैं, फ्रिज। हमको फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, पैसा यानी कि मनी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी वो आदमी लोग से बोलता है कि हमको नीतीश कुमार से फ्रिज, मोबाइल, मनी, जमीन ये सब चाहिए। तो सब हंसने लगता है कि तुमको ये सब का जरूरत कहाँ पड़ गया। तो वो बोलता है कि हमको ये सब का जरूरत नहीं है, हम तो अपने कुत्ता के लिए मांगने आए हैं, मतलब अपने डोंगे के लिए मांगने आए हैं। उससे पूछता है लोग कि तुमको क्या जरूरत है, तो बोलता है कि हम अपने लिए नहीं अपने कुत्ता के लिए मांगने आए हैं। तो गांव वाला लोग ये सुन के क्या बोलता है, क्या मांगे, कुत्ता के लिए, तुम कुत्ता के लिए फ्रिज, मनी, मोबाइल और जमीन मांगने आए हो। सब हंसने लगता है उसपे। तो बोलता है हाँ हाँ हम उसी के लिए मांगने आए हैं। फिर दोबारा गांव वाला बोलता है क्या नीतीश कुमार से मोबाइल, तो बोलता है अरे हाँ तो हम नीतीश कुमार से मोबाइल, जमीन ये सब मांगने आए हैं। तो फिर बहुत गुस्सा आता है लोग, तो बोलता है बहुत गुस्सा में बोलता है नीतीश से मोबाइल। तो बस ये एक छोटा सा स्टोरी था कि गांव में इस तरह का कॉमेडी होते रहता है उसी के ऊपर था। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है इसके ऊपर। सो डिफिशियंसी सिम्टम में हम लोग को 4 सिम्टम्स पढ़ना है, कौन कौन सा, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिलेड फ्लावरिंग, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ओनली 4 सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट है वो है क्लोरोसिस। ओके इसमें क्या होता है, लीफ येलो हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखना जरूरी है, अच्छा लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट क्या है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक आएगा क्या, ट्रिक लिख देते हैं पहले, ट्रिक है क्या गांव वाला सबसे पहले क्या पूछता है वो बूढ़े आदमी से कि नीतीश कुमार से क्या मांगते हो तुम, नीतीश कुमार से मांगे फ्रिज, मनी, मोबाइल और जमीन। यहाँ पे हम लोग फ्रिज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्रिज, क्या, फ्रिज। ओके नीतीश कुमार से मांगे फ्रिज, मनी, मोबाइल, जमीन। तो यहाँ पे नीतीश इज फॉर N नाइट्रोजन, कुमार का K इज फॉर पोटेशियम,
से का एस इज फॉर सल्फर, मांगे इज फॉर मैग्नीशियम, फ्रिज इज फॉर एफी एंड मनी इज फॉर मैग्नीज, मोबाइल इज फॉर मॉलिब्डेनम एंड जमीन इज फॉर जेडन. सो इजिली याद हो जाएगा. ओके सो लर्न विथ मी. नितेश का जो एन है वो है एन नाइट्रोजन, के है कुमार का के इज फॉर पोटेशियम, एस इज फॉर सल्फर, मांगे इज फॉर मांगे में एमजी, ओके एमजी इज फॉर मैग्नीशियम एंड फिडीज का एफ ई इज फॉर आयरन, मनी का एम एन जो है वो है एम एन मैग्नीज के लिए, ओके एंड मोबाइल का एम ओ है मॉलिब्डेनम के लिए एंड जमीन का जो जेडन है वो है जिंक के लिए. यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिंबल काफी है, आप लोग याद कर सकते हैं उससे. बार बार स्पीक कीजिए, इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, इसको एक जगह लिख लीजिए. ऐसे हम इसका जो पिक्चर है हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ये हो गया. अब बस तीन ट्रिक और है, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन और डिलेड फ्रॉबलिंग को लेकर. तो सेकेंड जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में टिश्यू का डेथ होता है, यानी कि डेथ ऑफ टिश्यू, स्पेशली लीफ टिश्यू का डेथ होता है. ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम तो बस यहाँ पे एलिमेंट किस तरह से याद करना है उसका ट्रिक बताने के लिए यहाँ पे आए हैं, कि आप लोग इजीली एलिमेंट याद कर पाए, कि एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन इससे आए तो छूटे नहीं. डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली लीफ टिश्यू. सो इसका ट्रिक क्या है, जब वो बोला था कि हमको ये सब चाहिए, वो बूढ़ा आदमी, कि ये मोबाइल मनी फ्रीज ये सब चाहिए, तो गांव वाला क्या पूछा था कि क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, तुम तो अकेले रहते हो. तो बोलता है कि हमको ये कुत्ता के लिए चाहिए. तो गांव वाला का रिएक्शन क्या होता है, का मांगे कुत्ता के लिए. सो द नेक्स्ट ट्रिक इज का मांगे कुत्ता के लिए, का मांगे कुत्ता के लिए. यहाँ पे के लिए का कोई मतलब नहीं है, ओके लिए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. का मांगे कुत्ता के लिए, तो अभी तक समझ गए कि इसका क्या मतलब है. का इज फॉर कैल्सियम, मांगे इज फॉर मैग्नीशियम, कुत्ता इज फॉर कॉपर एंड के इज फॉर पोटेशियम. सो ये भी ट्रिक हो गया, का मांगे कुत्ता के लिए. सो का इज फॉर कैल्सियम, एम जी इज फॉर मैग्नीशियम, सी इज फॉर कॉपर एंड के इज फॉर पोटेशियम. ओके सो अब बस दो ट्रिक और है. नेक्स्ट ट्रिक है इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन. इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन, इसमें ये जो है प्लांट्स में किस किस के डिफिशियंसी के कारण होता है, तो इसमें जब गांव वाला गुस्सा हो जाता है तो क्या बोलता है फिर, कि नीतीश कुमार से मोबाइल. सो द नेक्स्ट ट्रिक इज कुमार से. सो यहाँ पे ये नीतीश का एन, ये के, ये से इज फॉर एस एंड मोबाइल इज फॉर एम ओ मॉलिब्डेनम. तो नीतीश कुमार से मोबाइल. नेक्स्ट ट्रिक क्या है इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन के लिए, नीतीश कुमार से मोबाइल. एन इज फॉर नाइट्रोजन, के इज फॉर पोटेशियम, एस इज फॉर सल्फर, एम ओ इज फॉर मॉलिब्डेनम. तो यहाँ तक हो गया. अब लास्ट ट्रिक है डिलेड फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग होने में देर किस किस एलिमेंट के कारण होता है. सो द लास्ट ट्रिक ओनली लेफ्ट, यहाँ पे लिख देते हैं हम. अगर आप लोग को ट्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा है, या फिर जैसा भी मतलब अच्छा लग रहा है, याद तो हो रहा है ना आप लोग को, एग्जाम से पहले ये सारा चीज याद हो रहा है, तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो हमको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इस तरह का और वीडियो बनाना चाहिए, जिसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबको बेनिफिट भी हो रहा है. ऐसे कोई देखेगा नहीं तो बनाने में क्या मजा आएगा, और आप लोग देखते हैं लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है. ओके लास्ट ट्रिक है क्या, डिलेड फ्लावरिंग. इसके ट्रिक का क्या नाम है, जब गांव वाला लोग बहुत गुस्सा हो गया तो क्या बोला था, नीतीश से मोबाइल, ऐसे करके बोला था ना. सो द नेक्स्ट ट्रिक इज नीतीश से
मोबाइल। यहाँ पे भी समझ गए होंगे आप लोग कौन किसके लिए है, एन है, यहाँ पे एस है, सॉरी, और ये एमओ। एन इज फॉर नाइट्रोजन, एस इज फॉर सल्फर, एमओ इज फॉर मॉलिब्डेनम। सो द होल ट्रिक इज ओवर। ओके, टोटल यहाँ पे 8 ट्रिक था जो कि हम सारा ही बता दिए हैं। और आप लोग एनसीईआरटी देख सकते हैं कि जितना हम बताए हैं ये सारा वही एलिमेंट है। हो सकता है थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं, मतलब जो सीरीज वाइज है उस तरह से नहीं है, क्योंकि याद करने के लिए इस तरह का ट्रिक बनाया गया है। ये हमको मेरे सर बताए थे और हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से याद कर पाए। सो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए और आज ही बहुत सारा क्वेश्चन बना लीजिए इसका कि सारा एकदम अच्छे से याद हो जाए। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टे ट्यून माय वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय, गुड नाइट।